हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। तो इस वीडियो में आपका बताने वाला हूँ कि आप अपने मेमोरी कार्ड को 128 GB का कैसे बना सकते हैं। चाहे आपका मेमोरी कार्ड 2 GB का हो या 4 GB का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, आपके मेमोरी कार्ड को 128 GB में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी और इसके बहुत ध्यान से देखना होगा हर एक पार्ट को, ताकि आप समझ सकें कि ये कैसे करना है। तो बिना वक्त घुमाए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दोस्तों, मेमोरी कार्ड को 128 GB में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका नाम है ES फाइल एक्सप्लोरर। यह एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और अगर नहीं मिला तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करना है। तो यहाँ से आपको बड़े ध्यान से देखना होगा, यहाँ पे एक तरफ लिखा है इंटरनल स्टोरेज और दूसरी तरफ लिखा है SD कार्ड। तो हमें SD कार्ड के अंदर जाना है। हमें यहाँ पे कोने में एंड्रॉयड का फोल्डर दिख रहा होगा, तो हमें इस फोल्डर को टैप करना है और डाटा के अंदर जाना है। तो ये डाटा का ऑप्शन खुल गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सारे एप्लीकेशन के फोल्डर खुल गए हैं। तो यहाँ पे ऊपर कोने में 3 डॉट दिख रहे होंगे आपको, तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और ये प्लस का निशान है, न्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सबसे नीचे वाला ऑप्शन आएगा फाइल का, तो हमें फाइल चुननी है। फाइल में हमें नाम लगाना है bat.file, तो लगा देते हैं bat.file, तो ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको नीचे फाइल मिल जाएगी। तो अब इसे ओपन करते हैं, वीडियो में नहीं, टेक्स्ट में। टेक्स्ट में ओपन करने के बाद यस एडिट नोट एडिटर में ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ टाइप करना होगा। यहाँ पे हमें टाइप करना होगा मेक इट लार्ज। यहाँ से बड़े ध्यान से हमको टाइप करना होगा, अगर ये गलत हुआ एक भी तो आपका मेमोरी कार्ड कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ से आप बड़े ध्यान से देख के मेक इट लार्ज यही मैंने लगाया है। और यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन भी करनी होगी, तो कैलकुलेशन के लिए 128 GB में हमको मेमोरी कार्ड को कन्वर्ट करना है। तो हमें यहाँ पे 128 लगाना है। 128 लगाने के बाद इंटू करना है और पी होती है, तो हमें वही लगाना है 1024 1024। तो 1024 के नीचे यहाँ पे पॉइंट आ रहे हैं, तो यही नंबर को हमें उस टेक्स्ट में डालना है। तो यहाँ पे हम डालते हैं 131702। तो ये नंबर आ गए हैं। यहाँ पे आने के बाद हमें MB लगाना नहीं भूलना है, MB, नहीं तो आपका फाइल मेमोरी कार्ड कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हमें बैक आ जाना है। बैक आने के बाद हमें फ़ोन को रिबूट करना होगा, यानी कि इसे बंद करके वापस चालू करना होगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी कार्ड की प्रोसेसिंग चालू हो जाएगी और ये 128 GB बताने लगेगा। तो इस प्रकार आप अपने मेमोरी कार्ड को 128 GB कर सकते हैं। अगर मैंने ये स्विच ऑफ कर दिया तो ये जो मेरी वीडियो बन रही है ये भी कट जाएगी, तो ये बीच में अटक जाएगी, इसलिए मैं इसे बंद नहीं कर सकता। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, आपका मेमोरी कार्ड 128 GB ज़रूर होगा। मेमोरी कार्ड 128 GB हो जाए तभी लाइक का बटन दबाना है, अभी नहीं दबाना है। और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका मेमोरी कार्ड 128 GB हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके पास वाले घंटे के दबा दें, ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद।